रिश्वत कांड में फंसे स्कूल के हेडमास्टर व अध्यापक को बुधवार करीब 4:30 बजे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी हेडमास्टर और टीचर को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। विजिलेंस ने कोर्ट में 3 दिन का पुलिस रिमांड दिए जाने का निवेदन किया था, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है। उधर आरोपियों के बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन भी लगा दी है। आपको बता दें कि मंगलवार को विजिलेंस ने हाई स्कूल भरठियान के हेडमास्टर व विज्ञान अध्यापक को स्कूल परिसर में कुल 29,500 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। आरोपियों पर एक फर्नीचर फर्म की पेमेंट रोकने तथा इसके बदले में रिश्वत मांगने के आरोप लगाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। युवा बड़ी संख्या में ITI में प्रशिक्षण हासिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर रहे हैं, ताकि वे अपनी रुचि के मुताबिक ट्रेड हासिल कर सकें। कड़ी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो गई। ITI मंडी की ओर से अनुदेशक प्रदीप सिंह ने बताया कि ITI मंडी में विभिन्न ट्रेडों के लिए ऑनलाइन प्रवेश शुरू कर दिया गया है। पहले दौर में प्रवेश 20 जून से लेकर 14 जुलाई तक चलेगा। उन्होंने बताया कि जिन आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई परेशानी आ रही है, उन आवेदकों की सुविधा के लिए ITI मंडी में फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है, जहां वे अपने डॉक्यूमेंट लाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुशील रतन की बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि हो गई। पंडित सुशील रतन के अंतिम संस्कार यात्रा सुबह 10 बजे उनके घर से शुरू हुई। यात्रा में सैकड़ों लोगों सहित कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हुए। यही नहीं, स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुशील रतन के निधन की सूचना पर प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी ने पहुंचकर स्वतंत्रता सेनानी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता सेनानी की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि हुई, जिसमें पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी। आपको बता दें कि देश की आजादी के लिए जेल गए स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुशील रतन का सोमवार को PGI चंडीगढ़ में निधन हो गया था। वे काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। निधन की खबर सुनकर काफी संख्या में गणमान्य लोगों ने मौके पर पहुंचकर स्वतंत्रता सेनानी को पुष्प अर्पित कर भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर प्रशासन की तरफ से DC कांगड़ा, SDM राकेश शर्मा, तहसीलदार जगदीश चंद शर्मा एवं पुलिस की ओर से DSP डेरा लालमन शर्मा, SHO पुरुषोत्तम दीवान ने पुष्प अर्पित किए। स्वतंत्रता सेनानी सुशील रतन को उनके पुत्र ने मुखाग्नि दी। स्वतंत्रता सेनानी के निधन की सूचना पर ज्वालामुखी में काफी संख्या में लोग पहुंचे और उनकी अंतिम यात्रा में भाग लिया। इसमें स्थानीय भाजपा विधायक रमेश धवाला भी शामिल रहे। अंत्येष्टि कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि ये हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में और बाद में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पंडित सुशील रतन की सेवाएं हमेशा याद रखी जाएंगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की गई।